अबे चुप क्यों रहूं? हाँ, 50 रुपए में ट्रेलर दिखा दिया, अगर पूरी फिल्म देखनी है तो और छिड़को। अबे हट ना। अरे चाची तो खिड़की दरवाजे बंद करके नहाना सीख। सिखला दे रवि, तू मुझे मेले में लेके जाएगा? बहुत प्यार करता है ना मुझसे। मेरी तरफ देख, मैं पहनी हूँ घाघर चोली, गाँव की गोरी। तुम? हाँ मैं। अरे मैं तुझे मेले में ले जाऊंगा, पर उससे पहले मैं तेरी जवानी का मेला देखूंगा। मेरे पास नहीं आना, वरना तेरी छुट्टी कर दूंगी। अच्छा, मैं सिर्फ रवि की हूँ। रवि, रवि। तुम्हारा कहना है कि तुमने खुद मुलजिम रवि यादव को पार्वती देवी के साथ बलात्कार करते हुए देखा। जी सरकार, वो बेचारी गिड़गड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन ये मुलजिम उसकी एक नहीं सुना। अरे सरकार, हमसे तो ये जुल्म देखा नहीं गया, हमने अपनी आंख बंद कर ली और जब आंख खोल के देखा तो ये अपना काम खत्म करके जा चुका था। नहीं जसर, ये सरासर झूठ बोल रहा है। और पार्वती देवी वहां मरी पड़ी थी। तुमने पार्वती देवी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे साहब, आप इसको नहीं जानते, अगर हम उसे बचाने की कोशिश करते तो उसकी लाश के बगल में आप हमारी लाश भी पाते। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस। आप मुलजिम के बचाव के वकील हैं और आप गवाह से कोई सवाल नहीं करना चाहते जिसका बयान मुलजिम को फांसी के तख्ते तक ले जा सकता है? मुलजिम को अपने वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए योर ऑनर। इस मुलजिम ने मुझसे कहा था कि इसने बलात्कार नहीं किया, मगर अब ये मौजिस गवाह ये बयान दे रहा है कि इसने खुद अपने आंखों से बलात्कार होते हुए देखा। तो इस गवाह से मैं क्या सवाल करूं? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं योर ऑनर, इस चश्मदीद गवाह का बयान
बलात्कार तो साबित कर सकता है मगर कत्ल साबित नहीं करता, क्योंकि जिस वक्त इसने आंख खोली तो मुलजिम जा चुका था और लाश पड़ी हुई थी। हो सकता है योर ऑनर मुलजिम ने उसे जिंदा छोड़ा हो, हो सकता है किसी और ने पार्वती देवी का कत्ल किया हो, इसलिए अदालत ने अगर इसे फांसी की सजा दी तो वो सरासर अन्याय हो जाएगा योर ऑनर। दैट्स ऑल। ये अपनी कैसा वकील खड़ा किया रवि के लिए जो खुद अपनी क्लाइंट के खिलाफ बोल रहा है। ऐसी बातें अदालत में नहीं की जाती। अगर वो तो घर चलकर बात कर लेना। सरकार कत्ल का जुर्म पूरी तरह साबित नहीं कर पाई, इसलिए यह अदालत इसे कत्ल की पूरी सजा नहीं दे सकती, लिहाजा यह अदालत इसे 12 साल कैद व मुशक्कत की सजा देती है। मालकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही तुम्हारी दोषी हूँ। यह क्या कह रही है मालकिन? हाँ, मैंने तुम्हारे मालिक से हजार बार कहा कि रवि निर्दोष है, कोई अच्छा सा वकील करो, मगर वो ये दोष निर्दोष का चक्कर ही नहीं है मालकिन, तो वकील क्या कर लेता, ये तो नसीब का चक्कर है मालकिन। आप भी बेबस हो गई और मालिक भी। आप तो चाहती थी कि मैं पढ़ लिखकर अच्छा आदमी बनूं, मगर नहीं, बनता भी कैसे? ये जेल जो लिखी थी नसीब में, ये धारीदार कपड़े जो लिखे थे, पर अब बिल्कुल चिंता मत करना मालकिन, ये सजा तो मैं काट ही लूंगा। मुझे चिंता है तो सिर्फ रोहन की, वो वहां बिल्कुल अकेला रह गया ना मालकिन। अकेला क्यों हो गया होगा, मैं नहीं हूं क्या? मैं उसकी देखभाल करूंगी, उसका भविष्य मेरे पास तुम्हारी अमानत है रवि, तुम इसकी बिल्कुल चिंता ना करो। अगली बार जब मैं तुमसे मिलने आऊंगी तो उसका पक्का बंदोबस्त करके आऊंगी। अगर ऐसा हो गया ना मालकिन तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि आज तक मैंने जिंदगी से अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, जो कुछ मांगा रोहन के लिए मांगा, और जो कुछ मांगूंगा रोहन के लिए मांगूंगा। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा रोहन, क्या देख रहे थे? ये घर तुम्हारा है। भैया कहाँ आए? भैया भैया अभी आते होंगे। अच्छा मालकिन, मैं चलता हूँ, 3 बजे की गाड़ी से मुझे जगदीशपुर जाना है। नमस्ते। नमस्ते। चलो। आखिर मानी नहीं तुम यशोदा, ले यहीं से। अब ये हमारा बेटा है। व्हाट इज योर नेम बेटा? माय नेम इज वासु गुजराल। एंड व्हाट इज योर मदर्स नेम? हर नेम इज यशोदा। यशोदा गुजराल। हाँ। अब अपने डैडी का नाम बताओ और उनके चरण छुओ। मेरे डैडी का नाम सूर्यकांत गुजराल है। पांव छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यशोदा, तुम शौक से इसकी माँ बन सकती हो, मगर मैं इसका बाप नहीं बनूंगा। मैं किसी मुजरिम कातिल के भाई को गोद नहीं ले सकता। दैट इज फाइनल। अब ये तुम्हारी माँ भी है और बाप भी, 2 in 1। तुम इन्हें माता श्री कहो, माता जी कहो, अम्मा कहो, मम्मी कहो, कुछ भी कहो, मुझे तुम डैडी नहीं कहोगे। क्या नहीं कहोगे? डैडी। डैडी। डरो मत बेटा। क्या मैं उन्हें डैडी नहीं कह सकता? अरे ये तो उनका दुर्भाग्य हुआ ना कि तुम जैसा बेटा उन्हें डैडी नहीं कहेगा। तो फिर मैं क्या कहूँ? तुम उनका नाम जानते हो, सूर्यकांत गुजराल, तो तुम उन्हें मिस्टर गुजराल कहा करो। तुम समझ ही नहीं सकती रेणुका कि मेरी जिंदगी में वासु की क्या जगह है। धूप का टुकड़ा भी वही और छाव का टुकड़ा भी। उसके आने के बाद मेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें ये भी नहीं समझा सकती कि अपने बाल गोपाल को मैं कितना चाहती हूँ। बस ये समझ लो कि मैं ही उसकी देवकी हूँ और मैं ही यशोदा। मैं इस बाल गोपाल के लिए तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। बहुत बहुत प्यार के साथ, तुम्हारी यशोदा। रवि, ये जानकर तुम कितने खुश होगे कि रोहन अपनी जिंदगी की कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जो जिम्मेदारी तुमने मुझे सौंपी थी उसे पूरा होते देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वचन पूरा हो गया हो।
आज वासु का रिजल्ट निकलने वाला है, उसको कामयाबी दो। देवा निकालो। अगर मेरे वासु को पता चल गया ना। वासु क्या कुरुक्षेत्र, अर्जुन को गीता का उपदेश देने। कुरुक्षेत्र से तो मैं वापस आ गया हूं और मेरे होते हुए मेरी मां को कोई हाथ नहीं लगा सकता। शरारत की है जो मेरे पांव छू रहा है। माँ मैंने इम्तिहान पास कर लिया है, अब मैं भी वकील बन गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आज तूने मेरे ख्वाबों को सच्चा कर दिखाया। सुना तुमने? वकील साहब आज तो मैं आपको पिताजी कह सकता हूँ ना? गलती से पास हो गया होगा। पूछो इससे कि कॉलेज में रैंक क्या था इसका। नौ। नौ? तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। नो नो, ये पूछो कि स्टूडेंट्स कितने थे। नो नो मतलब ये कि आखिरी नंबर। यस। रैंक नौ हुआ तो क्या हुआ, पास तो हुआ है। तुमने भी अपनी गाड़ी का नंबर नौ लिया है, टेलीफोन का नंबर नौ चुना है, बंगला खरीदा है वो भी नौ नंबर का। मुझे ये नौ नंबर बहुत पसंद है क्योंकि ये शुभ नंबर है। शुभ नंबर है मगर मेरे लिए, इसके लिए नहीं। तो क्या तुम्हें इसका वकील बनना अच्छा नहीं लगा? अरे भाई वकालत तो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का कानूनी लाइसेंस है। तो चलो इस दुनिया के झूठों में एक झूठे का इजाफा और हो गया, वकील तो ये बन सकता है मगर हम जैसा सच्चा खरा और कामयाब वकील कभी नहीं बन सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जब तुम्हें इसे घर लाई थी और आज भी कह रहा हूँ कि पीतल पर सोने का पानी चढ़ाने से पीतल सोना नहीं बन जाता। तो इसका मतलब है इतने साल गुजर जाने के बाद भी तुम इसे बेटा स्वीकार नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। यशोदा जी ने कृष्ण जी को गोद लिया था तो ये अपने आप को वासुदेव समझ बैठा है। अगर ये वासुदेव है तो मैं भी भीष्म हूँ और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता हूँ कि मुझे मेरे निश्चय से कोई बदल नहीं सकता। तो आप भी मेरा निश्चय सुन लीजिए वकील साहब, एक दिन आएगा और जरूर आएगा जिसमें आप मुझे बेटा कह के बुलाएंगे और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे शुभ दिन होगा। वकील साहब आपने कहा कि पीतल सोना नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ये सच है, मगर एक पौधा बड़ा दरख्त तो बन सकता है जिसे यशोदा माँ के प्यार ने सींचा। वकील साहब मैं तो एक अनाथ था जिसे आपने आसरा दिया। आसरा तो कई देते हैं लेकिन आपकी कड़वी बातें मेरा हौसला बढ़ाती गई। मैं आपका आभारी हूं और हमेशा रहूंगा। आप खुशी के समय भी कड़वी कड़वी बातें करने से बाज नहीं आते? अरे उसकी छोटी सी कामयाबी पर तुम इतनी खुश दिख रही हो और मेरी किसी भी कामयाबी पर तुमने इतनी खुशी नहीं दिखाई। हाँ, औरत को बेटे की कामयाबी पति की कामयाबी से हमेशा बड़ी लगती है। हेलो वासु, क्या कर रहे हो यार? कुछ नहीं यार, मिस्टर गुजराल को मेरा पास होना अच्छा नहीं लगा। अगर माँ नहीं होती ना तो ये घर कब का छोड़ चुका होता। अरे भूल जाओ मिस्टर गुजराल को, जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्टी में जाना है। किसकी पार्टी? अपने अशोक की। बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ आएंगी, फ्लर्ट करेंगे। हैं? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। अच्छा हो तूने फोन किया यार, मैं बहुत बोर हो रहा था। ओके बाय बाय। तो बहुत ही मजा आया। हेलो, बहुत देर कर दी। माय गॉड वासु, ये लड़की तो ब्यूटी की पूरी स्पेलिंग है। ये है मेरी डांस टीचर जूरी। हाउ आर यू? फाइन। आइए। नाइस पार्टी। या क्वाइट गुड। अशोक की पार्टी हमेशा ऐसी होती है। इनसे मिलिए, ये पायल है। हाय, ये है जूरी मार्टिन।
मेरी फ्रेंड और डांस टीचर। हाय वासुदेव गुजराल, पता नहीं तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी हुई या नहीं, मगर मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। वो क्यों? क्योंकि तुम इस दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मगर पहली सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कौन है? मेरी माँ। चलो। तुमने तो कमाल कर दिया पायल। भाई साहब जरा संभल के चलिए। अरे मैं तो देखकर ही चल रहा। ये क्या बदतमीजी हो रही है यार। गुजराल, मैं अशोक बोल रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाइए, वासुनी पार्टी का सत्यानाश कर रखा है। गुजराल, मैंने तो कुछ नहीं किया है, शुरू इन्होंने किया था लेकिन खत्म मैंने किया है। क्या क्या किया है आपके बाल गोपाल ने, ये पूछे मुझसे? तुम तो हमेशा उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हो। पार्टी का सत्यानाश कर दिया उसने, और बर्तन तोड़ने में तो दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन। क्या शटाशट प्लेटें फेंकी हैं। होटल का बिल कम से कम 15 या 20 हजार का होगा। जी नहीं मिस्टर गुजराल, 8,624.80 का बिल था, वो मैंने एक दोस्त से उधार लेकर अदा कर दिया। थैंक यू वेरी मच। मगर वासु, माँ बर्दाश्त की भी खाद होती है। मैं जान सकता हूँ कि आप क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? सॉरी मिस्टर गुजराल, मगर इस वक्त मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। देखा आपने, सुना वासु, मुझे यकीन है जो कुछ भी तुमने किया वो मजबूर होकर ही किया होगा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच, मगर अब मैं मिस्टर गुजराल के साथ नहीं रह सकता। पागल मत बनो। अरे इनकी बातों का बुरा क्या मानना, इन्हें तो काट खाने का शौक है। नहीं माँ, अब मैं आपकी जिंदगी में इल्जाम बनकर जीना नहीं चाहता। अब आप मुझे अपने पांव पर खड़े होने की इजाजत दे दीजिए। मिसेस गुजराल, ये जो मांग रहा है दे दीजिए ना इसे। ये अपने पांव पर खड़ा होना चाहता तो खड़ा होने दीजिए। ऐसी बातें करते हो तुम। माँ मिस्टर गुजराल ठीक कह रहे हैं। क्या तुम मुझे छोड़कर चला जाएगा? तुम ये कैसी बातें कर रही हो माँ, मैं तो तुम्हारी ममता की परछाई हूँ। तुमसे अलग तो मेरा कोई वजूद ही नहीं। तुम मुझे जब भी पुकारोगी अपने पास पाओगी। मैं समझ गया। क्या समझे? यही कि उस काले कोट की हर जेब खाली है। But don't you worry my boy, असल चीज है जेब, you know, pocket. Pocket है तो भरेगा भी। मैं किसी की जेब में नहीं रहना चाहता प्रशांत। कभी कोटा की तमाशा देख। It's disgusting यार। 4 महीनों के भी तक केस नहीं मिला। लगता है आज लंच नहीं खाया। मेरी जेब में हाथ डालो और 20-20 के दो नोट हैं, उसमें से एक उठा लो और जाकर छोले भटूरे खाओ। फिर बात करेंगे। छोड़ यार, महीनों से तेरी जेब में हाथ डाल के जी रहा हूँ। माय डियर वासुदेव गुजराल, भगवान या दर्जी तो जेब बनाता ही इसलिए है कि दोस्त उसमें हाथ डाल सके। हैं? चलता हूँ। जिस तरह से आज तुमने लंच नहीं खाया उसी तरह आज मैं डिनर नहीं खाऊंगा।
एक कॉपी और हो जाए, क्योंकि वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र नहीं अभी तक खत्म नहीं हुई। कॉपी दो दो। थैंक यू। बस तुमने मेरी कहानी तो पूरी सुन ली है, अब मैं तुम्हें एक अदद फुटनोट सुनाता हूँ। फुटनोट यह है कि आम आदमी के खून की तरह मेरा खून भी लाल ही है, ब्लू नहीं। डोंट टॉक रबिश, मैं तो खानदान वानदान और बैकग्राउंड वैकग्राउंड के चक्कर में पड़ती ही नहीं, असल चीज तो आदमी है, दी इंडिविजुअल। मैं गंगा जमुना बैकग्राउंड वाले बहुत से लिटरों को जानती हूँ, उनके ब्लू ब्लड से इतनी बदबू आती है कि तुम मिनट भर उनके पास ठहर नहीं सकते। यानी आई हैव अ चांस? यानी यू हैव मोर देन अ चांस, यू आर अ फाइटर यार। और मैं अभी अपनी स्टेटमेंट पर एक किस किसी लगाने को भी तैयार हूँ। किस को तो अभी टाली जाओ, क्योंकि मुझे अभी एक किस से ज्यादा एक केस की जरूरत है। केस? तुम मेरे किस पर एक केस को प्रेफरेंस दोगे? वो किस तो मेरा हो ही चुका है राइट, मगर अभी मैंने उस किस पर अपना हक कहाँ साबित किया है? ये तो साबित कर लेने दो कि मैं एक फाइटर हूँ, और ये साबित करने के लिए मुझे एक ऐसा केस चाहिए जो मेरी वकालत को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। पैरों पर खड़ा कर सके? I've got it. Got it? Got what? I mean pair. एक केस. Case of the missing feet. Hi everybody. Grandpa. ये है मेरे दोस्त वासुदेव गुजराल। नमस्ते। ये बोल नहीं सकते, और ये है मम्मी, ये देख नहीं सकती, और ये है। इन्हें तो मैं पहचानता हूँ, ये है तुम्हारी डांस टीचर जूडी। हाय जूडी। याद है पहली बार जूडी ने कहा था दैट वी आर मेड फॉर ईच अदर, और जूडी जैसे ही तुमने कहा था मैं तरस मान गया। सो जूडी, हाउज लाइफ? हाउज योर डांसिंग लाइफ? लाइफ, डांसिंग लाइफ। सॉरी जूडी, मगर मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। जूडी की जिंदगी से डांस निकल चुका है वासु। मगर ये हुआ कैसे? एक ड्रंक ट्रक ड्राइवर इसे कुचलता हुआ निकल गया। ये 4 घंटे तक वहाँ पड़ी रही, फिर कहीं पुलिस आई और इसे अस्पताल ले गई। जब इसे होश आया तो इसकी टांगे काटी जा चुकी थी। इन्होंने तो पुलिस को ट्रक का नंबर भी बताया, मगर पुलिस दूसरे जरूरी काम में उलझी हुई थी। मैंने भी जिद पकड़ ली कि ये केस यही नहीं खत्म होगा, और अल्टीमेटली पुलिस को ये केस कोर्ट तक ले जाना पड़ा। मगर सामने वाले बहुत पैसे वाले थे, जज पर दबाव पड़ा और जज ने जूडी की कटी हुई टांगों का कॉम्पेंसेशन 20,000 ठहराया। अगर ये कॉम्पेंसेशन ठीक है तो कोई बात नहीं, ठीक नहीं है तो फिर लड़ो ये केस। लड़ोगे? हाँ लड़ूंगा, और जीतूंगा भी। जूडी, इस एक्सीडेंट का कोई गवाह है? हाँ वासु, हाँ 2 गवाह है, एक वैश्य और एक उसका ग्राहक। वो बिचारी गाड़ी से उतरकर आई भी, और उसका ग्राहक पुलिस लेने गया, मगर वो आया ही नहीं। उसके बाद वो बिचारी वैश्य ने पुलिस को खुद इन्फॉर्म किया। तो क्या वो गवाही देने आई थी? क्या बात करते हो वासु, जो लोग जज पर दबाव डाल सकते हैं वो भला एक सड़क छाप वैश्य को गवाही देने देंगे? नहीं नहीं नहीं, फिर जूडी के वकील को गवाही लेना नहीं आएगा। जूडी, FIR किस पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई थी? नागपाड़ा पुलिस स्टेशन। नागपाड़ा। उस वैश्य का पता तो मैं आपको बतला दूंगा मिस्टर गुजराल, मगर मेरी मानिए तो आप इस केस में हाथ मत डालिए। क्यों? क्योंकि रत्ना भाई को आप नहीं जानते, उसकी ताकत और उसकी पहुंच को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रत्ना भाई जो कुछ भी हो, कानून से बड़ी तो नहीं होगी इंस्पेक्टर सामन? पता नहीं, खैर उनका कद नाप कर आपको बता दूंगा, फिलहाल आप मुझे उनका पता बताइए। वो हरामी असली पुलिस वाला अफसर है, बीवी बच्चे वाला भी है। वो साला ट्रक ड्राइवर को पहचान लिया था। अच्छा? अपना इज्जत बचाने को भाग गया था से, घर वाली को कैसे बोलता? मेरे साथ उस टाइम क्या कर रहा था? ये इज्जत भी बड़ी लफड़े वाली चीज है से। उसका नाम क्या है और रहता कहाँ है? यरवड़ा जेल में ड्यूटी कर रहा है, नाम धनीराम है, 5 लाख खर्चता इसने। हाँ तो कहिए मिस्टर गुजराल, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक केस के सिलसिले में आपको थोड़ा सा कष्ट देना था। मुझे? जी हाँ, क्योंकि आप चश्मदीद गवाह हैं। मैं बॉम्बे के किसी केस में चश्मदीद गवाह हूँ? That's right. चश्मदीद गवाह होने का मतलब ये कि केस क्रिमिनल है। That's right. क्या केस है? पहले आप मुझे ये बताइए कि आप चंपा नाम की किसी सड़क छाप लड़की को जानते हैं? इस नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर गुजराल। That's right, मिस्टर विनायक, मगर इन दैट केस मुझे आपको समन करना पड़ेगा, और वो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि कुछ ही दिनों में आप रिटायर होने वाले हैं
और आपका सर्विस रिकॉर्ड बेदाग है। मिस्टर विनायक, मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ, मुझे आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो भी ऑफ द रिकॉर्ड, वरना खामा खा आपकी घरेलू जिंदगी गड़बड़ जाएगी। थैंक यू मिस्टर विनायक। कुछ दिनों पहले आपने ग्रांट रोड पर एक कार एक्सीडेंट देखा था। ग्रांट रोड पर? याद कीजिए, चंपा भी आपके साथ थी। गलती उस घायल होने वाली औरत की थी या उस ड्राइवर की? ड्राइवर की। Are you sure? 100%। कानून मुर्दा लफ्जों का ढेर नहीं योर ऑनर। कानून आंखों पे पट्टी बांधे हाथ में तराजू लिए खड़ी कोई मूर्ति भी नहीं है। कानून समाज की जीवन प्रणाली है, समाज की शय रग है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ योर ऑनर क्योंकि इस केस में कानून ने अन्याय ही नहीं बल्कि अपना अपमान भी किया है। मिस्टर गुजराल, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सीमा रेखा तक आ चुके हैं। सच कभी अदालत की तोहही नहीं कर सकता योर ऑनर, लेकिन आप पहले पूरा सच सुन लें। आपने उस लड़की की हालत नहीं देखी जिसकी फरियाद लेकर मैं आपके पास आया हूं। वो एक डांसर थी, डांसिंग उसकी जिंदगी थी और उसकी रोजी भी। उसके घुंघरू उसके खानदान का पेट पालते थे, उसके घुंघरू उसके छोटे भाई बहन की स्कूल की फीस देते थे, अंधी मां की दवाई का दाम देते थे, घर का किराया देते थे, बिजली का बिल देते थे। लेकिन योर ऑनर, घुंघरू पहनने के लिए तो पैरों की जरूरत होती है जो अब जूड़ी के पास नहीं है। इसलिए मैं अदालत को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस एक्सीडेंट में जूड़ी की टांगे नहीं कटी थी, उस एक्सीडेंट में जूड़ी की खानदान की जिंदगी कट गई थी। एक खानदान की जिंदगी का मुआवजा सिर्फ 20,000, सिर्फ 20,000 योर ऑनर। बट मिस्टर गुजराल, योर ऑनर, मैं यहां मुआवजा मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां इंसाफ की तलाश में आया हूं क्योंकि इंसाफ ही उस औरत के जख्मों का मलहम बन सकता है। मगर कानून सिर्फ कटी हुई टांगों का मुआवजा दे सकता है मिस्टर गुजराल। मैं मानता हूं योर ऑनर, मगर पहले उस पैर की कीमत तय करनी पड़ेगी। एक डांसर की पैर की कीमत क्या हो सकती है योर ऑनर? एक डांसर की पैर की कीमत तो कोई बिरजू महाराज ही तय कर सकते हैं। मैं समझता हूं मिस्टर गुजराल, आई अंडरस्टैंड। नो योर ऑनर, यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। अब तक इस अदालत ने मिस जूडी को देखा ही नहीं, इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि अदालत एक कमीशन बनकर मिस जूडी के घर चले और देखे कि उस घर में मिस जूडी के कटे हुए पैरों का क्या मतलब है, और उन कटे हुए पैरों का मतलब समझ लेने के बाद यह अदालत मिस जूडी के लिए कोई मुनासिब मुआवजा तय करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये तुमने क्या किया मामा? दवा तो बह गई। इसमें तो अभी 2 दिन की दवा थी बेटी। अरे मैं कहती हूँ छोड़ मेरी आंखों को, मैं तो इस दर्द से मरती भी नहीं कि मेरे बरियल का खर्चा कहाँ से आएगा। 7 रुपए 80 पैसा फेंकने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो अंधी ही ठीक हूँ। यस मामा, तुम अंधी ठीक हो, मैं लंगड़ी ठीक हूँ, और ग्रैंडपा ग्रैंडपा घूंगे ठीक है, मगर टोनी जॉनी और लीजा के लिए क्या ठीक रहेगा? वैसे स्कूल से इन तीनों का नाम कट चुका है। खैर टोनी और जॉनी किस्सा विस्सा काट के जी लेंगे, मगर लीजा, लीजा क्या करेगी मामा, क्या करेगी? अब अंदर चले योर ऑनर। माय गॉड मिस्टर गुजराल, ये जिंदगी तो कोई 10 मिनट भी नहीं जी सकता। यू आर रॉन्ग योर ऑनर, ये जिंदगी तो ये लोग जिंदगी भर जिएंगे। चलिए। एंड यू? मैं बाद में आऊंगा। एक्सक्यूज मी जज साहब, आप प्लीज जज साहब हम पर दया कीजिए। मुझे मालूम है कि 6 महीने का किराया देना बाकी है, मैं कुछ ना कुछ करके ये किराया अदा कर दूंगी सर। आप लैंडलॉर्ड को इतना बता दीजिए कि जूडी एक मजबूर छोकरी है, बस सर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने नहीं आया हूँ, मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें वाकई कम मुआवजा मिला था, तुम्हें कम से कम 5 लाख मुआवजा मिलना चाहिए ताकि तुम अपने खानदान समेत इज्जत के साथ जी सको, अपनी माँ का इलाज करवा सको, अपने भाइयों और बहनों को अच्छी एजुकेशन दे सको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा शुक्रिया मत अदा करो जूडी, अपने वकील मिस्टर वासुदेव गुजराल का शुक्रिया अदा करो जो मुझे यहाँ लाए।
थैंक यू मिस्टर गुजराल। थैंक यू सर। मेरे ख्याल में तो 5 लाख ठीक रहेगा मिस्टर गुजराल। यस सर। ओके थैंक यू, थैंक यू। वो 2% का वकील कौन जिसने हम पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठुकवा दिया? कोई नया छोकरा है सरकार। तो खरीद क्यों नहीं लिया उसको? तब किसको पता था सरकार कि वो इस केस का गड़ा मुर्दा उखाड़ कर जूड़ी को 5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दिलवाएगा। और सुना है कि वो छोकरा बिकाऊ भी नहीं है। बिकाऊ नहीं है तो खर्च कर दो साले को। एक ससुरी नाचने वाली की टांगों के लिए 5 लाख। मुबारक हो रवि यादव, आज फिर 212 से तुम रवि यादव हो रहे हो। तुम्हें तुम्हारी पहचान वापस मिल रही है। 12 बरस के बाद रवि यादव का नाम सुना है साहब। कुछ दिन तो लगेंगे ये समझने में कि ये नाम मेरा ही है। लेकिन कम से कम दिन लगाना। जल्द से जल्द ये भुलाने की कोशिश करना रवि यादव कि 12 साल तक तुम सिर्फ 212 रहे। अब तुम्हारा क्या इरादा है? अपने रोहन को खोजना है साहब। आप तो जानते हैं उसके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। आपने भी तो उसका पता लगाने की कितनी कोशिश की थी। हाँ, न तुम्हारी मालकिन का पता लगा और न ही तुम्हारे भाई का। मगर हैरानी की बात यह है कि इस तरह 2 जीते जागते लोग लापता कैसे हो गए? अब तो मैं रवि यादव बन चुका हूं ना साहब। मैं ढूंढ लूंगा उनको।